नमस्कार, यह कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं लावण्या नायडू आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी कहानी तेरी मेरी फैमिली स्टोरी। आज हम सुनेंगे कहानी का तीसरा भाग। गुड मॉर्निंग बैंगलोर, मैं हूँ आपकी आरजे। एफएम पर आवाज़ आई ही थी कि रेडियो बंद कर दिया गया। यार सिमी, तुम्हें पता है ना, मुझे सुबह सुबह आरजे आशी की आवाज़ सुनना कितना पसंद है। क्यों बंद किया? मिस्टर मोक्ष, आपको इस आरजे की आवाज़ सुनने की पड़ी है और मेरी यहाँ टेंशन में आवाज़ चली जाएगी लग रहा है, बोलकर सिमी तांबे के बोतल से पानी पीने लगी। चिल करो यार जानू, मोक्ष ने पीछे से आकर सिमी को बाहों में घेरा और गले में चूम लिया। छोड़ो यार, तुम्हें थोड़ी सी भी घबराहट नहीं हो रही? रात की फ्लाइट है हमारी। हाँ तो? टेबल पर रखे अंगूर मोक्ष खाने लगा। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़के का। अरे यार सिमी, जब तू ऐसे बेचैन होके घूमती है ना, तो तुझ पे और प्यार आने लगता है। एक काम करो, तुम ना करो टाइम पास, फिर सुनते रहना अपनी आरशी को, और मैं चली किसी अमेरिका या दुबई वाले के साथ। इतना क्यों डर रही हो? मोक्ष, हम 7 महीने से लिव इन में रह रहे हैं, हमारे घर वालों को पता भी नहीं है। मेरे पापा तो रिश्ता देख कर रखे हैं, उन्हें पता चला तो सीधा उनकी बंदूक और मेरा माथा। अरे यार, रिश्ता सिर्फ देखा है, मंडप थोड़ी सजा लिया है। इतने में सिमी मतलब सिमरन का फोन बजा। हेलो निधि जी, हाँ पैकिंग हो गई है, मोक्ष खुद से बोलने लगा। निधि दीदी, ये मेरी बहन है और सिमी से ज़्यादा बात करने लगी हैं। मोक्ष ने सिमी से फ़ोन छीन लिया। हेलो निधि दी, ये क्या, आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? रुको, फ़ोन स्पीकर पर डालता हूँ। हाँ आप बोलो। तुझे क्यों जलन हो रही है? हम गर्ल्स टॉक करना चाहते थे, तुझे क्या? मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों के गर्ल्स टॉक पर सिमी को देखो ना दी, कितना टेंशन लेती है। मुझे पता है, रात को मैसेज पर बात हुई है हमारी, इसलिए अभी उसे कॉल किया है। लो समझाओ इसे। सिमी तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मेरी भाभी तुम ही बनोगी। सिमी शर्माकर मुस्कुरा दी। चलो अब रखती हूँ, तुम दोनों भी पैकिंग कर लो। फोन रखने बाद मोक्ष ने सिमी को बाहों में लिया और माथा चूमकर कहा, मत लो यार टेंशन, निधि दी मेरे भाई सभी तो तुम्हें जानते हैं, सभी से वीडियो कॉल पर बात भी करती हो, वो भी मुझसे ज़्यादा, मोक्ष ने मजाक में छेड़ने के अंदाज से कहा। सिमी ने मोक्ष को कस के गले लगा लिया। दोनों अपनी पैकिंग पूरी करने लगे। सिमी, मेरी फेवरेट ब्लू शर्ट कहाँ है यार? अलमारी के सारे कपड़े इधर उधर करते हुए मोक्ष ने आवाज़ लगाई। वो शर्ट मैं ले जा रही हूँ, दरवाजे पर खड़ी सिमी इतराते हुए बोली। यार वो मेरी फेवरेट शर्ट है, मैं भी तो तुम्हारी ही हूँ ना। अब सिमी ने मोक्ष के गले में बाहें डालते हुए कहा, अच्छा जी, तो आप क्या करेंगी मेरी शर्ट का? मोक्ष ने सिमी के कमर में बाहों को घेर लिया। मुझे जब भी तुम्हारी याद आएगी ना, इसे पहन लूंगी। अच्छा, फिर मुझे तुम्हारी याद आए तो तुम्हारी कोई कुर्ती ले जाऊं? नहीं, तुम अपने घर वालों से बात कर मुझे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाओ। जल्द ही, बोलकर मोक्ष ने सिमी को गले लगा दिया। दोनों एयरपोर्ट के लिए निकले इंदौर की फ्लाइट पकड़ने। जी हाँ, दोनों एक ही शहर में हैं, पर मुलाकात बेंगलोर में हुई। इस बारे में फिर कभी जानेंगे कि ये कैसे मिले। आज की ये कहानी इतनी ही, फिर मिलेंगे अगले भाग में।
तब तक आप सुनते रहिए किस्सा कहानी चैनल पर और नई कहानियाँ।